इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल्मश महिषासुर है, कामनाएं क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या ए महिषासुर हैं। राम कथा इनका मर्दन करने वाली साक्षात महिषासुर मर्दिनी आदि शक्ति जगत जननी पारम्बा माँ भगवती दुर्गा जी हैं। अर्थात राम कथा रूपी महिषासुर मर्दिनी माँ के आते ही कलकाल के कलमश रूपी विकार अपने आप शांत हो जाते, भगाना नहीं पड़ता। कथा श्रवण करने मात्र से विकार पलायन कर जाते, ऐसा याज्ञवल्क जी कहते हैं। याज्ञवल्क जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में बैठकर कर्मकांड पीठ से भगवान की पावन कथा भरद्वाज जी को सुनाने जा रहे हैं। महिमा गाई, इस प्रसंग में थोड़ी सावधानी है। प्रथम दिवस इसलिए कुछ आग्रह आपसे मैं कर देता हूं। संसार में बहुत कुछ जरूरी होता है, लेकिन जरूरी दिखते दिखते बहुत कुछ हमारी मजबूरी बन जावे। जैसे मोबाइल, मोबाइल है तो जरूरी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये हमारी मजबूरी बन गया है। तो मैं आपसे पहले दिन ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लोग हैं, कृपया मोबाइल स्विच ऑफ मोड में रखें, वरना मैं अपने दोनों मोबाइल लेके आऊँगा। मेरा हर 3 मिनट में एक रिंग बजता है, फिर आपका बजेगा तो मेरा भी बजेगा, आप सुनेंगे मैं भी सुनूंगा, इसी तरह श्रोता वक्ता आनंद मनाएंगे 9 दिन। तो आप पहले दिन ही मेरी बात मानकर और अपना मोबाइल आनंद पूर्वक घर में रखकर, क्यों? देखो भैया, आप कथा में आके माया में भी लगे रहेंगे और भगवान में भी, तो दोनों चली जाएगी, न माया मिलेगी न राम जी। कथा में कदाचित मिसकाल चेक ही कर लिया तो आप ये कहेंगे अमुक का फोन है, उठा लिया तो कथा में हूँ बाद में करूँगा, तो जाके कर दीजिएगा, बात तो होनी नहीं है, यही कहना है कि कथा में हूँ। जब बाद में भी आप करेंगे तो कहेंगे मैं कथा में था, अब बताइए क्या बात। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं किताबी वक्ता नहीं हूं, प्रैक्टिकल हूं, कथा को एक्सपेरिमेंट करता हूं तभी सुनाता हूं, और जो एक्सपेरिमेंट पर खरा नहीं उतरती बात उसको मैं कहता भी नहीं हूं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। प्लीज मोबाइल या तो गाड़ी में रहे अथवा पॉकेट में रहे, आगे न रहे किसका फोन आ रहा है, वरना आप खतरे में पड़ेंगे। पहला दिन है, सबसे मेरी प्रार्थना, मैं बहुत आनंद में आपको कथा सुनाना चाहता हूं। अब कथा कैसे सुनी जाए ये सुनिए। मैं पूछता भी हूं कथा सुनाकर, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं सुना जाऊंगा आप सुनते रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। आज जो सुना रहा हूं कल पूछूंगा, यदि आप कहेंगे कि महाराज समझ में नहीं आया तो जो आज सुना रहा हूं कल फिर यही सुनाऊंगा, ऐसे 9 दिन करता रहूंगा। हाँ, इसलिए कृपा करके किशन बाबू ने बड़ी तपस्या पूर्वक हमको बुलाया है, माता पिताजी का संकल्प है, स्मृति है, इसलिए बड़े प्रेम श्रद्धा पूर्वक आप सुने, हम इसी भाव में आपके साथ बहेंगे। भरद्वाज जी ने क्या पूछा,
अब यही शुरू हो रहा है प्रश्न, राम जी कौन है? क्या पूछा भरद्वाज जी ने? पूछा राम जी कौन है, और याज्ञवल्क्य ने क्या सुनाया? शिव जी कौन है? क्या सुनाया? अब कोई हमसे पूछे कि 4 × 4 बराबर क्या, मैं कहूं गुलाब का फूल, बात तो नहीं बनी। पूछी जा रही है राम कथा और सुना रहे हैं शिव कथा, सुनाने का क्या अभिप्राय है? ये कारण है, जैसे जब हम कहीं बड़ा कार्य करने जाते हैं, या हमारे श्रीमान जी लोग बैठे हैं, इनकम टैक्स भरने जब जाते हैं तो 2-3 महीना उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर 2 दिन प्रैक्टिस, फिर 1 दिन प्रैक्टिस। क्यों? वहां पहुंचना है, दरबार में पहुंचना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बड़ा काम कोई करने जाते हैं, बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, तो छोटा मॉडल पहले बनाते हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं, जिससे बड़े में कोई कमी ना रह जाए। ठीक इसी प्रकार बड़ी कथा है, राम जी की कथा बड़ी कथा है, शिव बाबा की कथा छोटी कथा है। इसलिए राम कथा सुनने की तैयारी करने के लिए याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को शिव जी की कथा सुनाई, छोटी कथा है। नवीन भाव ध्यान रखना, छोटी कथा है। क्यों छोटी है? क्योंकि राम जी भी शिव जी के भगवान हैं, शिव जी जो कथा सुनाएंगे वही याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुनाएंगे, तो पहले शिव जी कथा सुनाने की स्थिति में तो आवे। हर परिवार में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में सब भगत नहीं होते, 4 होते तो 1 भगत नहीं होता। क्यों नहीं होता ये कल बताएंगे। हर जगह भगवान ने समन्वय करके भेजा है। अब कोई कहे कि मेरे परिवार में सभी भक्त हो जाएं, ऐसा आप सोचेंगे तो एक ही परिवार में सब अभक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान 4 भक्तों के साथ 1 भगत भेजता है कि पूरे भारत में उनका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बना रहे। 4 भगत लोग 1 भगत को निभा ले जाएंगे। भगवान की योजना है, भगवान योजना पूर्वक सबकी व्यवस्था बनाए हैं। याज्ञवल्क जी बोले, सावधान ये सुनिए, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव मैया शिवा सती जी को लेकर कथा श्रवण करने गोदावरी गंगा के निकट पधारे। आप में से जिन्होंने अगस्त्य रामायण पढ़ी होगी, अगस्त्य रामायण में ये कथा आती है। नारद जी महाराज तो लीलाधारी हैं, लीला करते रहते हैं। नारद जी महाराज ने विंध्य पर्वत से कह दिया, जाओ आपको तो कोई पूछता ही नहीं है, देखिए हिमालय की जय जयकार है। तब जरा जड़ तो जड़, क्या करूं? बोले सूर्य भगवान को रोक के बांट दो। अब जैसे ही विंध्य बढ़ने लगे तो देवता लोग भगवान शिव की शरण गए। इन सारे पर्वतों के गुरु हैं अगस्त्य जी महाराज। अगस्त्य जी काशी जी में बैठकर भगवत भजन कर रहे थे। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी है, तीनों लोक से अलग मानी जाती है काशी, इसलिए तीनों लोक से न्यारी उसको बोलते हैं। भगवान विश्वनाथ की शरणागत हुए। भगवान विश्वनाथ ने अगस्त्य जी को समझाया, हे ऋषिवर, आपका शिष्य ऐसा ऐसा कर रहा है, आप उसको रोकिए। तो बोले प्रभु आपका दर्शन छोड़ के मैं वहाँ जाऊँगा? बोले आप चलिए, मैं वहाँ स्वयं आऊँगा। इसी व्यवहार का पालन करने के लिए विंध्य को रोककर अगस्त्य जी गोदावरी गंगा के निकट आकर बैठ गए पंचवटी के पास, और भगवान विश्वनाथ माँ सती जी को लेकर कथा श्रवण करने गोदावरी गंगा के निकट अगस्त्य जी के आश्रम पर पधारे। आए, ऋषिवर ने स्वागत किया। याज्ञवल्क जी महाराज कहते हैं कि भरद्वाज जी से, हे देव, हे मामुनि, अगस्त जी ने स्वागत करके और कथा प्रारंभ की। आसन ऊंचा नीचा था तो उन्होंने बैठा दिया शिव बाबा ने अगस्त जी को ऊपर, अपने बैठ गए।
के साथ नीचे कथा पूरी भई। कथा हो गई, परंतु कथा केवल शिव जी ने सुनी, माँ ने नहीं सुनी। कथा में हम बैठे हैं तो हम पूरी कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? ये आप जानो, जो सुन रहा है उसको इसका बोध होता है। आदमी शरीर से मन से जब कथा में रहेगा तभी कथा सुन पाएगा। शरीर यहां है, मन कहीं और है, कथा नहीं सुन पाएगा। कई लोग तो कथा में सो जाते। पूछो 3 घंटे बाद, महाराज ने क्या सुनाया? महाराज ने बहुत बढ़िया सुनाया। एक बात बताओ, 3 घंटे में एक बात बताया? इतना बताया, इतना बताया, मेरी तो बुद्धि चकरा गई। लेकिन एक बात याद नहीं है। क्यों? सीताराम जी सो रहे थे, आनंद ले रहे थे खूब। बुरा नहीं है, घर में सोने से अच्छा है चलो कथा में आके सो गया, आने का पुण्य मिलेगा। कथा में भी कोई सो जाए तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कथा में आने का पुण्य मिलेगा। अभी हमारे कृष्ण बाबू कह रहे थे, महाराज लोग पूछते आप इतना प्रचार क्यों करते, अखबार में क्यों देते? मैंने कहा भैया करने दो, बुराई भी कोई करेगा तो कथा की चर्चा तो करेगा, उसको भी फल मिलेगा। कथा की बुराई भी करे तो फल पावेगा। लिखा है यहां, कहीं सुनहीं अनु मोदन करहीं देवो पद एव भवनिधि तरहीं। सुनहीं अनु मोदन करहीं सबको फल देवो पद एव भवनिधि। ये कथा जीवन मुक्त महामुनि जेवो हरि गुण सुनई निरंतर देवो। जीवन मुक्त महामुनि कथा सुनने के लिए 3 शर्त है। पुराकृत पुण्य जब प्रभावशाली होते हैं, वर्तमान के क्रियमाण से थोड़ा कठिन है। वर्तमान के क्रियमाण पर पिछले जन्म के पुण्य जब दबाव बनाते हैं तब जीव घर से कथा सुनने निकलता है। दोबारा सुनिएगा आप लोग भी, पिछले जन्म के पुण्य वर्तमान के क्रियमाण पर जब दबाव बना लेते हैं, आदमी भगवान की कथा सुनने निकलता है। लिखा है, अति हरि कृपा जाय ही पर हो तपाव दे मार्ग सो। इस भगवत भजन के पथ पर वही पांव रखता है जिस पर भगवान की अति कृपा है। कृपा कब होती है? जब जीव का पुराकृत पुण्य उदित हो जाता है। भगवत कथा, भगवत मंदिर, मंदिर बनाने का संकल्प, यज्ञ करने का, कीर्तन करने का, भजने का, भजवाने का, विप्रभोजन करने का, दान करने का संकल्प तभी आता है चित्त में जब हमारे पुराकृत पुण्य प्रभाव बना लें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।